इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो यूनियन के लिए जो सिंबल यूज किया गया है वो वर्टिकल बार यूज किया गया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मीनिंग कुछ इस प्रकार से भी होता है कि एक तो यूनियन के लिए हम लोग वर्टिकल बार यूज कर सकते कुछ इस प्रकार से, या प्लस साइन का यूज कर सकते हैं। और यहां का आएगा जीरो प्लस वन वन जीरो क्लोजर वन, ठीक है। और हमें पता है कि जब यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल पाथ शो करते हैं, ट्रांजिशन शो करते हैं ए के लिए और बी के लिए पैरेलल में। जब कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करना रहेगा तो हम लोग ए के लिए ट्रांजिशन दिखाएंगे और उसके बाद बी के लिए ट्रांजिशन दिखाएंगे, और जब क्लोजर ऑपरेशन दिखाना है तो हम लोग सेल्फ ट्रांजिशन दिखाएंगे, और फॉर टाइमिंग हम लोग एक इनकमिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन और आउटगोइंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन शो करेंगे, फाइन, ताकि बाद में हम लोग डिसाइड कर सके कि ये सेल्फ ट्रांजिशन हमने कौन से स्टेट पे शो करना है, फाइन। तो यहां पे देखो, हम लोग इस रेगुलर एक्सप्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। ये ए इसके यूनियन में है, ठीक है, ये वाला एक पार्ट और उसके यूनियन में ये दूसरा पार्ट है। तो अगर हम लोग यहां पे इनिशियल स्टेट लेते हैं और एक लेते हैं फाइनल स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट में और फाइनल स्टेट में क्या करेंगे, पैरेलल पाथ शो करेंगे, पैरेलल पाथ फॉर वन जीरो एंड अदर पैरेलल पाथ फॉर जीरो यूनियन वन वन जीरो क्लोजर वन, फाइन। अभी इसको हम लोग कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, दिस मीन्स व्हाट, वन फॉलोड बाय जीरो। इसको सिंपली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि पहले वन के लिए ट्रांजिशन दिखाओ और उसके बाद में क्या करो, जीरो के लिए ट्रांजिशन दिखाओ। अभी इसके लिए देखो, दिस मीन्स व्हाट, ये ब्रैकेट इज फॉलोड बाय जीरो क्लोजर इज फॉलोड बाय वन। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये ब्रैकेट में क्या है, जीरो यूनियन वन वन है, इज फॉलोड बाय जीरो क्लोजर इज फॉलोड बाय क्या है, वन है। अभी यहां पे देखो, जीरो यूनियन वन वन है, मतलब यहां पे क्या आएगा, पैरेलल पाथ आएगा। तो पैरेलल पाथ को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, ये ऊपर का पार्ट एज इट इज रहेगा, दैट इज वन एंड जीरो, और नीचे में देखो क्या है, ये पैरेलल पाथ है। इसका मतलब यहां से एक तो जीरो के लिए ट्रांजिशन जाएगा नहीं तो वन वन के लिए ट्रांजिशन जाएगा, इसलिए हम लोग यहां पे दिखाते हैं कि जीरो के लिए एक ट्रांजिशन जाएगा नेक्स्ट स्टेट पे, नहीं तो वन वन के लिए ट्रांजिशन जाएगा इस स्टेट पे। इसके बाद यहां पे आए जीरो क्लोजर, जीरो क्लोजर है मतलब आपको ये दो स्टेट के बीच में एक नई स्टेट लेना है और वहां पे क्या करना है, सेल्फ ट्रांजिशन शो करना है। तो हम लोग एक नई स्टेट ले लेते हैं और यहां पे दिखाते हैं सेल्फ ट्रांजिशन फॉर जीरो, और इस स्टेट पे एक इनकमिंग ट्रांजिशन दिखाते हैं फॉर एप्सिलॉन और एक आउटगोइंग ट्रांजिशन दिखाते हैं फॉर एप्सिलॉन, और फाइनली यहां से ये वाला वन के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन रहेगा फाइनल स्टेट पे। तो ये वन के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन दिखाते हैं हम लोग और ऑन फाइनल स्टेट। ये होने के बाद में देखो, अभी सभी आर्क पे सिंगल सिंबल हमें दिख रहा है, मतलब हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सपांड कर चुके हैं हम लोग, सिर्फ अभी बचा क्या है, रिमूवल ऑफ द एप्सिलॉन ट्रांजिशन। तो इस केस में हमें क्या करना है, एप्सिलॉन ट्रांजिशन को रिमूव करने के लिए जहां से लेकर जहां पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन शुरू हो रहे हैं और जहां पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन की चेन एंड हो रही है, वो सभी स्टेट को क्या करना है, मर्ज करना है। तो जैसे यहां पे हमें ये तीनों स्टेट को क्या करना है, मर्ज कर देना है और उसको सिंगल स्टेट बनाना है। तो यहां पे बाकी के जो स्टेट्स है वो एज इट इज रहेंगे, जैसे ऊपर की स्टेट है ये वाली वन जीरो, ये एज इट इज रहेगा, ये फाइनल स्टेट रहेंगी। उसके बाद में यहां पे देखो, ये जीरो के लिए ट्रांजिशन है और यहाँ पे ये वन वन के लिए ट्रांजिशन है, ये एज इट इज रहेंगे। अब ये तीनों स्टेट को हमें क्या करना है, मर्ज करना है।
मर्ज करेंगे हम लोग तो ये स्टेट ही बनेगी है ये मर्ज करने के बाद, ठीक है। और ये स्टेट पे ही ये सेल ट्रांजिशन आ जाएगा जीरो के लिए, फाइन। और कोई ट्रांजिशन नहीं है और इस स्टेट से क्या है एक आउटगोइंग ट्रांजिशन है फॉर वन ऑन फाइनल स्टेट जो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो ये बन गया फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। और यहां पे हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं सभी स्टेट को, क्यू जीरो स्टेट है, ये क्यू वन स्टेट है, ये क्यू टू स्टेट है, ये क्यू थ्री स्टेट है, और ये जो फाइनल स्टेट है ये है आपकी क्यू फोर स्टेट, फाइन। दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर।